नमस्कार, मेरा नाम है राकेश सिंह और आप देख रहे हैं चैनल मेरा क्लास। मेरा क्लास का जो मेन मोटिव है ये है फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, और उसको पूरा करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि जो बच्चे अभी तक जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते वो इस वीडियो को देखकर लाइन टू लाइन चैप्टर का समरी सब्जेक्ट को समझ सकते हैं और कंपटीशन एग्जाम में अपने एग्जाम में बोर्ड की एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और वो बच्चों के लिए भी ये वीडियो है जो चाहते हैं कि लास्ट समय पर उनका क्विक रिवीजन हो जाए। और मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि ये वीडियो उस हर ज़रूरतमंद बच्चे तक पहुँचा दें जिसको इसकी ज़रूरत है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो मेरे हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और नोटिफिकेशन के बटन को दबा दीजिएगा। आज हम चैप्टर 2 इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर का सबसे पहले आपको ये इंट्रोडक्शन, जितने भी इंट्रोडक्शन है वो आपको अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए। ये बहुत की मार्की पॉइंट्स हैं, आपको जरूर याद कर लेना चाहिए। आज जल्दी तुरंत हम इंट्रोडक्शन पर आते हैं। तो इंट्रोडक्शन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड मोर सो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैज बीन द अटेंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सारे देश ये चाहते थे कि वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड हो जाए। द न्यूक्लियस ऑफ ऑल द इकोनॉमिक थिंकिंग हैज बीन द अटेंडिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और सबकी एक ही सोच थी, सबका एक ही मानना था कि वो इकोनॉमिक किस तरह से अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं। द टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज बिकम पॉपुलर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 to 1944। और ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट आया वो 1939 से 1944 तक आया। सिंस द डेवलपिंग कंट्री अटेम्प्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, हंगर, इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि अगर कोई इंसान के बीच में पैसे का डिफरेंस क्रिएट हो जाए तो उसे हम इनइक्वालिटी बोलते हैं। इनकम एंड वेल्थ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम टू डिस्ट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा, और उनके बीच में जब अंतर आ जाता है पैसे का तो उसे बोलते हैं इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा। इट कैन बी सेड दैट अवेयरनेस ऑफ level of developing country toward attempting of developing increase since developing country started attempting to reduce the gap in the per capita income level within developed country। अब ऐसा हुआ कि जब developing country को second world war के बाद वो चाहते थे कि वो developed हो जाए और उन्होंने gap जो per capita income का gap होता है उसे कम करना शुरू कर दिया and to increase the standard of living through the economic development, और उन्होंने अपने standard of living को बढ़ा दिया। It should be remembered that need for improving the level of economic development is not for developing country alone, और ये ऐसा जरूरी नहीं था कि सिर्फ developed country जो है वो इसके बारे में सोच रही थी। Also for the developed country but for a different reason, developing country aim to improve the standard of living of the people by reducing poverty, और developing country जो है वो क्या कर रही थी, वो अपनी poverty जो गरीबी है उसे कम करने का और unemployment, while the developing countries aim to attain the prevailing high standards of living, और developed country जो है वो अपने स्तर को और हाई स्टैंडर्ड का बनाया जा रही थी, उच्च श्रेणी का बनाया जा रही थी। इफ यू थिंक दिस वे मेंटेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ इज द एम ऑफ डेवलप्ड कंट्री, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो मेन एम होता है डेवलप्ड कंट्री का, एंड अटेंडिंग स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द प्राइम रिक्वायरमेंट फॉर अ डेवलपिंग कंट्री, और जो भी चीज़ हो वो बहुत तेजी से हो ये मेन कारण होता है डेवलपिंग कंट्री का। जनरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आर कंसिडर्ड टू बी अ सेम, और जो भी जनरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है और ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ होता है उन दोनों को एक ही माना जाता है। इन द पास्ट द वर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वॉज इंटरचेंजेबली, ये दोनों जो टर्म्स हैं डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों को एक समय एक समान इस्तेमाल किया जाता है। बट फ्यू इकोनॉमिक्स हैव ऑलवेज कंसिडर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स आर डिफरेंट, और कुछ इकोनॉमिक्स ऐसे थे जिन्होंने ये दोनों वर्ड्स को अलग अलग समझाया और डिफरेंस बताया इनके बारे में। अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर मिस उर्सुला हिक्स, द सॉल्यूशन ऑफ एन इकोनॉमिक problems of a developing country is in economic development and the developed country it is economic growth। ये चीज आप याद कर लीजिएगा, ये लाइन को एकदम अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ये लाइन को वैसे का वैसा ही लिखना है। उन्होंने बताया कि जो सॉल्यूशन होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का वो डेवलपिंग कंट्री में इज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और वो होता है अगर कोई भी चीज को सही करना है
तो वो सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से हासिल किया जा सकता है, एंड फॉर अ डेवलप्ड कंट्री इट इज एन इकोनॉमिक ग्रोथ, और डेवलप्ड कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ का इस्तेमाल किया जा सकता है। मीनिंग ऑफ दिस इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोथ मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब होता है कि जब कोई अर्थव्यवस्था बढ़ोतरी की ओर होती है तो उसे इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म, और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो शॉर्ट टर्म की प्रक्रिया नहीं है, इसे बहुत दूर बहुत ज्यादा समय लग जाता है। इंक्रीजिंग इन द टोटल आउटपुट ऑफ इकोनॉमी, इन इकोनॉमिक ग्रोथ देयर इज अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम एंड द रियल पर कैपिटा इनकम। और जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो रियल नेशन के पास भी पैसा आता है और लोगों के पास भी पैसा आता है, और उससे क्या होता है, उससे इकोनॉमिक पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होता है। सच ग्रोथ इज पॉसिबल ड्यू टू इंक्रीजिंग इन द सप्लाई ऑफ द फैक्टर ऑफ एन प्रोडक्शन लाइक लैंड। और ये किस वजह से होता है, तो इसके अगर लैंड होते हैं इसके पीछे पैसा होता है, लेबर्स होते हैं, एंड एंटरप्रेन्योर एबिलिटी इंक्रीज इन देयर प्रोडक्टिविटी। और एंटरप्रेन्योर एबिलिटी मतलब कि जो लोग होते हैं वो बिजनेस करना, लोगों को रोजगार देने में ज्यादा विश्वास करते हैं, इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इन शॉर्ट इट कैन बी सेड दैट द सप्लाई ऑफ द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन देयर एबिलिटी प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट लीन टेंड टू इंक्रीज द लीडिंग टू अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। दस इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन क्वांटिटेटिव चेंज, और ये इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसे क्वांटिटेटिव चेंज कहेंगे, मतलब कि वो चेंज जो बहुत 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 कम लोगों में होता है, मतलब एकदम कम लोगों में होता है, उसे क्वांटिटेटिव चेंज कहते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ शोज दैट इंक्रीज इन एन आउटपुट एंड द ग्रॉस नेशनल आउटपुट थ्रू विच अ कंट्री इकोनॉमिक स्टेटस इज डिपेक्टेड। इट ऑल्सो हेल्प इन कंपेटिवली इवेल्यूएशन ऑफ इकोनॉमी ऑफ टू कंट्री। और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो दो देशों के बीच में कंपेयर, मतलब की तुलना करने के काम आता है। इकोनॉमिक डेफिनेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर टू द ग्रोथ रेट ऑफ अ नेशनल इनकम और राइज इन द टोटल क्वांटम ऑफ ग्रोथ एंड सर्विस। और इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो ग्रोथ रेट होता है नेशनल इनकम का और राइज इन द क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विस, और किस तरह से उसके देश में गुड्स और सर्विस की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। अ लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन द कैपेसिटी ऑफ एन कंट्री टू सप्लाई डाइवर्स इकोनॉमिक ग्रोथ टू इट्स पीपल इज नोन एज एन इकोनॉमिक ग्रोथ। ये देखिए इसने ये कहा गया था, सिमन कुड्सनेट्स ने कहा था, ये चीजों को ध्यान रखिएगा, ये चीज और उसके ऊपर वाली प्रोफेसर हैंसन वाली वाली चीजों को हमेशा ध्यान रखिएगा। ये दोनों चीजें याद रखने हैं, एक एक मार्क्स में आ सकते हैं, इसलिए जरूर लर्न करें, इसको लर्न बाय हार्ट कर लीजिएगा, ये जरूर आएगा। तो इन्होंने बोला है द लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन कैपेसिटी ऑफ कंट्री टू सप्लाई डाइवर्स इकोनॉमिक ग्रोथ। अब मतलब हमारी जो इकोनॉमी होनी चाहिए वो डाइवर्स होनी चाहिए। डाइवर्स का मतलब होता है विभिन्न प्रकार की चीजें हमारी इकोनॉमी में काम करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ बैंक काम कर रहा है तो बैंकिंग सेक्टर में हमारा अच्छा चल रहा है, या अगर हम बोले तो हमारे पास आईटी नहीं है, अगर हमारी कंपनी ऑयल पे डिपेंड करते हैं, हमारा देश ऑयल पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए वो वास्ट होना चाहिए, और इसकी वजह से जो ग्रोथ आता है वो क्या होता है, बहुत सालों के लिए आता है। अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशन, ये देखिए बहुत अच्छे फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर जरूर याद कर लीजिएगा, दो से तीन मार्क में आ सकता है। तो लिमिटेशन ऑफ अ कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ टेक इनटू कंसिडरेशन ओनली द क्वालिटेटिव चेंज, और ये क्वालिटेटिव चेंज है मतलब कि ये सिर्फ कुछ लोगों में होता है। इन इकोनॉमिक ग्रोथ देयर इज अ राइज इन द नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, बट इंस्टीट्यूशन एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर रिमेंस द सेम। इसमें ऐसा इस इकोनॉमिक ग्रोथ में जो होता है नेशनल इनकम तो बढ़ती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, पर कुछ इंस्टीट्यूशन और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो वैसे के वैसे रहते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नैरो एंड डिपेक्ट ओनली द राइज इन द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ आउटपुट। The concept of economic growth is not of much used in the undertaking the welfare of the people. और economic growth जो है वो ये नहीं बताती कि welfare होगा कि नहीं होगा। Second 2.2 है meaning of an economic development. The need of an understand as that an economic development was actually means when economic of an Asia, Africa and Latin America has become proactive in अचीविंग एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये सब जो चीजें हैं वो क्या हो गई, एक्टिव हो गई, ताकि वो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या कर सकें, पा सकें। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस विच इज कंटिन्यूअस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो प्रक्रिया है वो
लगातार होती है. टू अचीव इकोनॉमिक वेल बींग हिंस द टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज अ वेरी वाइड मीनिंग विच इंक्लूड इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक वेलफेयर एंड इकोनॉमिक प्रॉपर्टी. अगर जब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होगी तो उसमें हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे, मतलब आपके पैसे गए, इकोनॉमिक वेलफेयर अपना जो हमने कितना अच्छा हो रहा है, और इकोनॉमिक प्रोग्रेस मतलब लोगों की हालत कैसे है, उनमें कुछ इजाफा आया है कि नहीं आया, वो सब देखना होता है. इवन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट देयर इज इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम एंड रियल पर कैपिटा इनकम. बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट क्वांटिटेटिव चेंज बट ऑल्सो अबाउट क्वालिटेटिव चेंज. मतलब क्या, देखिए क्वांटिटेटिव चेंज और क्वालिटेटिव चेंज ये दो टर्म है, उनको आपको समझना होगा. क्वांटिटेटिव चेंज मतलब जो ज्यादा मात्रा में होता है उसे हम क्वालिटेटिव चेंज कहते हैं, और क्वांटिटेटिव चेंज मतलब जो चुनिंदा लोगों में होता है उसे हम क्वालिटेटिव चेंज कहते हैं. डेवलपमेंट इज अ डिफरेंट फॉर्म ग्रोथ, इट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस. ये जो डेवलपमेंट जो होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, मतलब वो एक चीज पे डिपेंड नहीं करता. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक एंड द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक चेंज अलॉन्ग विद इकोनॉमिक प्रोसेस प्रोग्रेस टेक्स प्लेस इन द सोसाइटी टू. जनरली द स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल इनकम ऑल्सो अंडरगोज अ चेंज. द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एज परसेंटेज ऑफ द टोटल नेशनल इनकम डिक्रीजेस. और ये जो एक्चुअल में जब डेवलपमेंट होता है तो हमारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है एग्रीकल्चर से वो डिक्रीज हो जाता है. द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर इंक्रीजेस. और अगर जब भी किसी भी देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो उसमें एग्रीकल्चर का जो वो होता है फैक्टर जो होता है वो कम हो जाता है, मार्केट शेयर कम हो जाता है और इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर बढ़ जाता है. डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर. और जितने भी लोग एग्रीकल्चर से जुड़े होते हैं वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, सेक्टर गेट एम्प्लॉयड इन द अदर सेक्टर और उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलता है सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में. मॉडर्न टेक्निक्स टेक्नोलॉजीज इज बींग इम्प्लीमेंटेड टू द विच टाइम्स एंड मनी इज सेव्ड. न्यू चीज आर इन्वेंटेड एज अ रिजल्ट द स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूशन पेटेंटिंग टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूशन चेंज. और फिर जो बदलाव होता है उसमें इंस्टीट्यूशंस और ये सब मदद करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इनइक्वालिटी फॉल ड्यू टू द सच सिस्टमेटिकल चेंज. और फिर पॉवर्टी जनरेट हो जाती है क्योंकि यहाँ जितने भी देश होते हैं जो अंडर डेवलप होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, और अगर एग्रीकल्चर का जो फैक्टर है एग्रीकल्चर में जो रोजगार कम हो जाएगा तो उनके यहाँ के लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं और इनइक्वालिटी आ जाती है इनकम में उस जगह. डेफिनेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस. और ये माइकल टोडारो का कहना था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, मतलब इसमें ये एक चीज पे निर्भर नहीं करती, ये बहुत सारी चीजों पे निर्भर करती है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज सच एज अ प्रोसेस इन विच देयर इज नो इंक्रीज इन पॉपुलेशन. और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कभी भी पॉपुलेशन लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इनकम डज नॉट फर्दर इंक्रीज इन इनइक्वालिटी एंड देयर इज अ कंटिन्यूअस राइज इन द रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ये कहना था GM माइनर का. द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस विच इंक्रीज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड इंक्रीज चेंज इन द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू विच पर कैपिटा इनकम कंटिन्यूअसली इंक्रीज. मतलब क्या है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसमें जो है हम पूरा सिस्टम टेक्निक्स ही बदल देते हैं जिसकी वजह से पर कैपिटा इनकम कंटिन्यूअस बढ़ती चली जाती है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंटिन्यूअस राइज. और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है उस लोगों का जो होता है वो बढ़ जाता है रिस्पेक्टिवली एंड फर्दर पॉपुलेशन रिमेन कॉन्स्टेंट और इंक्रीज. और वो जो पॉपुलेशन होता है वो घटती है या तो बढ़ती है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन से हैं. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ स्लो. इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो धीमी प्रोसेस है बट स्ट्रांग प्रोसेस इन प्रीडिटरमाइंग ऑर्डर एंड डायरेक्शन. और ये हमें बताता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. एनी कंट्री डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस विच इज ईजी टू स्टार्ट बट डिफिकल्ट टू मेंटेन. और ये जो प्रोसेस है वो शुरू तो बहुत आसानी से हो जाती है पर इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है. द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज यूजली फास्ट इनिशियली बट स्लो डाउन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. पहले ये प्रोसेस बहुत फास्ट शुरुआत होती है पर बाद में धीमे धीमे कम हो जाती है. अब यह आया क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंज टेक प्लेस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. आउटपुट इंक्रीज विच इज क्वालिटेटिव एंड ड्यू टू द रिसर्च. और जो क्वांटिटेटिव जो होता है वो होता है रिसर्च के लिए, ड्यू टू रिसर्च. द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इंप्रूव विच इज क्वालिटेटिव. और जो क्वालिटी होती है वो अच्छी हो जाती है.
बट देर इज मोर ऑफ क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट, और यहाँ पे जो है क्वालिटी अच्छी कर दी जाती है, चेंज इन डिमांड। और जैसे ही कोई भी देश अमीर हो जाता है, उसकी जो चेंज होती है, उसका जो डिमांड होता है वो पूरी तरह से बदल जाता है। मतलब कि अगर आप इसको एग्जांपल से समझें तो जो जैसे कि कोई देश जो गरीब है वहाँ के लोग ज़्यादा चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, पर जैसे ही वो अमीर होगा उसके जो शौक होंगे वो पूरी तरह से बदल जाएंगे। जो जैसे कि एक इंसान है वो अगर अभी 3310 इस्तेमाल कर रहा है, तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो वो कुछ समय में वीवो 1610 और ये सब भी इस्तेमाल करेगा, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से। लेबर बिकम मोर डायनामिक। और एक चीज़ होती है कि लेबर को जो स्किल्स चाहिए होती हैं वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा चाहिए होती हैं। तो लेबर बिकम्स मोर डायनामिक, डेवलपमेंट लीड्स टू इंक्रीज टू एन एजुकेशन ऑफ द लेबर विच मेक्स हिम मोर डायनामिक। इंक्रीजिंग ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, डेवलपमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर अ डिफरेंट कम्युनिटी। और जो डेवलपमेंट होता है वो इंक्रीज कर देता है डिमांड ऑफ डिफरेंट करंट, अलग अलग चीज़ों का डिमांड को बढ़ा देता है। न्यू एंटरप्राइज कम फॉरवर्ड ड्यू टू विच द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज एनॉर्मसली। और नई इंटरप्राइजेज आते हैं, नई कंपनियां आती हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बढ़ जाता है इकोनॉमी में, और भी बहुत ज़्यादा मात्रा में। चेंज इन टेक्नोलॉजी, देयर शिफ्ट इन एंड डिपेंडेंस फॉर द फायर्स इन द वाटर बेस्ड टेक्नोलॉजी टू कूल एंड आयरन बेस्ड टेक्नोलॉजी विच लीड टू अ फास्टर डेवलपमेंट। और जो उनका जो डिपेंडेंट होता है वो शिफ्ट हो जाता है फायर और वाटर से कोल और आयरन पे, टेक्नोलॉजी विच रिजल्ट इन फास्टर, और उसकी वजह से ग्रोथ जो होती है बहुत तेज होती है। एट अ पर्टिकुलर स्टेज डेवलपमेंट बिकम सेल्फ मोटिवेटेड, और कुछ समय बाद डेवलपमेंट जो होती है वो सेल्फ मोटिवेट हो जाती है, अपने ऊपर निर्भर करने लगती है। लिमिटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेट द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो देश के बारे में बताता है कि वो देश बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। इट शोज द इकोनॉमिक सिनेरियो बट इन द रियल सेंस इट कैन नॉट डिस्कस द ह्यूमन डेवलपमेंट। और ये चीज सिर्फ देश के बारे में बताती है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में नहीं बताती। इट कैन नॉट बिकम द इंडेक्स ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। और इसे हम ये नहीं मान सकते कि वहाँ के लोगों का जीवन स्तर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमें ये बिल्कुल ही नहीं पता चलता। दूसरा पॉइंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजर बाय द इकोनॉमिक ग्रोथ। और कभी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेजर नहीं किया जाता, नापा नहीं जा सकता इकोनॉमिक ग्रोथ से। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और बहुत मुश्किल होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नापना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड दो चेंज दैट हैव हैपन इन टू द सोसाइटी। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ये होता है वो बदलाव जो हो चुका है सोसाइटी में। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टू डिराइव अ मेजर फॉर दिस। और इसको नापना या इसकी इसका इसके बारे में निष्कर्ष निकालना ये बहुत मुश्किल है। When economic development take place, the standard of living of the people improve. अगर जब भी economic development होता है तो standard of living जो होती है उस देश में उस लोगों की बढ़ जाती है। इसका एक सीधा example हम ले सकते हैं कि कुछ साल पहले हमारे देश में लोग सबसे ज़्यादा अगर आप 20 साल पहले चले जाएंगे तो आपको सिर्फ लोग बाइक से घूमते हुए दिखाई देंगे। पर आज जिस हिसाब से हमारे देश की इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ है उसकी वजह से आज लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग कार की ओर शिफ्ट हो चुके हैं। पर एज ए कम्पेयर टू दूसरे कंट्री से हमारा जो देश है उसकी जो पर कैपिटा कार कंजप्शन है वो बहुत कम है, उसमें भी बहुत ग्रोथ आनी बाकी है। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल एंड देयर फॉर वी कैन नॉट से दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन इंप्रूवमेंट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और इसका मतलब ये नहीं है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो क्या होती है नाप सके, इंप्रूवमेंट हो सकती है। डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट में जाने से पहले हम ये जान लेते हैं ये जो वर्ड ये जो लाइन है ये आप जरूर याद कर लें। ये कहता है कि ग्राड्स मायर्स स्टेटेड डेवलपमेंट इज ग्रोथ प्लस चेंज। डेवलपमेंट का मतलब अगर बढ़ोतरी हो रही है प्लस जो बदलाव हो रहा है दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें डेवलपमेंट मिलेगा। वी कैन एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन इट्स फॉलोइंग एग्जांपल। इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन ऑकरेंस, और इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो होती है। इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंज टेक प्लेस। इनमें बहुत मात्रा में बदलाव होता है और कुछ लोगों का अच्छा बदलाव होता है, मतलब कुछ लोगों की अच्छी तरह से बदलाव होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव चेंज, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होती है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत मात्रा में बदलाव होता है।
द इकोनॉमिक डेवलपमेंट द क्वेश्चन ऑफ यूटिलाइजिंग ऑफ अनयूटिलाइज रिसोर्स अराइजेस. और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो चीज़ का जो हम इसका इस्तेमाल नहीं करते उसका इस्तेमाल हम यूटिलाइज करने लगते हैं. एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इज एम्फसाइज इन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्स. और इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ हमारे पास है उसे हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब कैसे बांटते हैं अपने लोगों के बीच. द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक कंट्री डेवलपिंग कंट्री. और जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ का, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू द डेवलपिंग कंट्री. और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज में होता है. और इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिलेटेड टू द डेवलप्ड कंट्री. और ये जो प्रोग्रेसर्स है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डेवलप्ड कंट्री में होती है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डिफिकल्ट टू मेजर. इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बहुत मुश्किल है नापना. इट इज ईजी टू मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ और इसे नापना बहुत आसान है. द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इज ब्रॉड. इसमें जो बदलाव होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. इसका जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत छोटे में हम इसे नाप सकते हैं. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग द पर कैपिटा इनकम. इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो जुड़ा हुआ है किससे, पर कैपिटा इनकम से. वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है. इकोनॉमिक ग्रोथ इज ओनली रिलेटेड टू द इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम. और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो सिर्फ ऐसे पता चलती है कि कितना बढ़ोतरी हुई है पर कैपिटा इनकम में. इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ स्लो प्रोसेस. इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो एक धीमी प्रक्रिया है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ रैपिड प्रोसेस. ये बहुत तेज प्रक्रिया है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ. ये प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल ही नहीं हो सकती इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बिना. इकोनॉमिक ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के बिना हो सकती है. इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट. हैज द कंट्री अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नॉट. अगर देश ने इकोनॉमिक अचीव किया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की नहीं, इफ सो हाउ फास्ट इट कैन बी टेकन प्लेस, हाउ मच इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, हाउ टू नो एंड टू मेजर इट. वी शुड कंसिडर वेरियस फैक्टर्स. सच फैक्टर्स आर इंडिकेटेड एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेजरिंग रॉड्स और स्टैंडर्ड्स. दिस इंडिकेट विच मेजर ऑफ रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इट एक्सटेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल टर्म्स. Through this indicator, a comparison of a two country or a two times period can be done. Just the thermometer measure the change in the temperature of a human body and record it. Development indicator measure the country's development. Some of the indicator of an economic development are as follow. अब ये सीन बता रहा, जैसे कि थर्मामीटर नापता है लोगों की बॉडी के टेम्परेचर को, वैसे ही डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो है नापते हैं देश की डेवलपमेंट्स को. पहला जो होता है रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ अ नेशनल इनकम. रेट किस रफ्तार से नेशनल इनकम बढ़ रही है. रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम, कैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है. क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर PQLF, याद रखिएगा इसको भी, याद कर लीजिए. ये आ सकता है एक मार्क में. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स SDI, ये भी आ सकता है आपको, तो इसको भी अच्छी तरह से याद कर लेगा. ये सारे पैरामीटर्स हैं जो जिसकी वजह से हम नापते हैं. तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं ग्रोथ रेट्स ऑफ अ नेशनल इनकम. अकॉर्डिंग टू द इंडिकेटर कंट्री इज सेट टू बी हैव इनिशिएट अटेंडेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अगर इंडिकेटर को माने तो वो देश जिसने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाया है. इफ देयर इज एन कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री फॉर द पीरियड ऑफ अ टाइम. और उनकी जो रियल नेशनल इनकम है वो बढ़ती जा रही है बहुत सालों से. इफ द रेट ऑफ द राइज इन दैट नेशनल इनकम इज हाई, द डेवलपमेंट रेट इज सेट टू बी एन हाई. और अगर रेट ऑफ नेशनल इनकम जो है वो बढ़ती जा रही है, डेवलप्ड हो रही है, बहुत ज्यादा है, तो इफ द नेशनल इनकम इंक्रीज एट अ लोअर रेट द रेट ऑफ अ डेवलपमेंट इज लो. और अगर नेशनल इनकम बढ़ रही है तो उसकी डेवलपमेंट, वो देश की भी इनकम भी जो है वो भी बढ़ रही है. अगर वो लो है तो वो भी घट रही है. डेवलपमेंट इज लो. इफ द नेशनल इनकम डज नॉट राइज इट डिपेक्ट द स्टेट्स ऑफ अ स्टेगेंसी. एंड इफ नेशनल इनकम इज डिक्रीजेस देयर इज एन अंडर डेवलपमेंट और अ नेगेटिव डेवलपमेंट. और अगर इकोनॉमिक जो है, अगर नेशनल इनकम जो है वो नहीं बढ़ रही है, स्टेगेंसी है, मतलब कि उसमें ठहराव आ चुका है, तो जो नेशनल इनकम है वो भी डिक्रीज हो रही है. एंड देयर इज एन अंडर डेवलपमेंट ऑफ अ नेगेटिव डेवलपमेंट. और एक ठहराव आने के बाद जो इकोनॉमी है वो नीचे की ओर जाएगी. अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर रियल
income and not money income is taken into consideration, and hence national income is calculated not at current picture but at constant price. Tabular form में बताया गया है, ग्रोथ रेट बताई गई है, यहाँ पे देख लेंगे हम. नॉर्वे की जो ग्रोथ रेट है वो 2.2 है, अमेरिका की जो ग्रोथ रेट है वो 2.4 है, श्रीलंका की जो ग्रोथ रेट है 4.5 है, चाइना की जो डेवलपमेंट है वो 7.3 है, और इंडिया की जो डेवलपमेंट है वो 7.3 है, और पाकिस्तान की 4.7. सम ऑफ कंट्री हैज़ द फास्टेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ नेशनल इनकम व्हेन कंपेयर टू दैट रेट ऑफ एंड ग्रोथ ऑफ अ नेशनल इनकम एंड हिंस सच कंट्री आर सेट टू बी एन हायर ग्रोथ रेट. अगर आप कंपेयर करेंगे तो चाइना और इंडिया जो है वो सेम मात्रा से ग्रो कर रहा है 2015-2016 में, और नॉर्वे जो है वो इस जो टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ सबसे कम ग्रो कर रहा है. तो 2.1 दैट अ कंट्री लाइक नॉर्वे, अमेरिका, श्रीलंका एंड पाकिस्तान हैव अ स्लोअर एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ अ नेशनल इनकम एंड अगेंस्ट इंडिया हिंस इट इज सेट टू बी द इंडियन ग्रोथ रेट इज एन हायर देन दैट ऑफ दिस कंट्री. टुडे इंडिया इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑफ द वर्ल्ड. और इंडिया को आजकल के समय में सबसे तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी, सबसे ज़्यादा तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी माना जाता है. बट इट शुड बी इन रिमेंबर दैट अ कंट्री लाइक नॉर्वे एंड अमेरिका हैज इम्प्रेस्ड ग्रोथ रेट ऑलरेडी थ्रू वे दे आर ग्रोथ एट द रेट ऑफ 2 and 3. इंडिया, नॉर्वे और अमेरिका जो है वो 2-3% की रफ्तार से बढ़ रहे हैं क्योंकि वो पहले से ही डेवलप्ड हो चुके हैं और वो हर साल 2-3% बढ़ते हैं. लिमिटेशन, देयर इज अ सम लिमिटेशन इन accepting national income as an indicator of economic growth. They are as follow. Difficulty is calculating the true national income. Double counting product for a self consumption. Difficulty in calculating depression. Illegal income. Tax violation. Tax invention. Barter transaction. Literally barter transaction का मतलब वो होता है जब मैं चीज के बदले चीज वो कोई चीज़ दे रहा है तो मैं उसको उसको उस चीज़ के बदले में कोई चीज़ दे रहा हूँ. इलिटरेसी मतलब कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं वो. एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पर्सन इज मोर देन वन ऑक्यूपेशन, जो एम्प्लॉयमेंट है पर्सन की वो एक से ज़्यादा नौकरियां कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. मेक इट डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द रूरल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, और मुश्किल हो जाता है ये चीज़ करना कि कैसे नापें ग्रोथ को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को. एंड हियर द नेशनल इनकम कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ ट्रू मेजर रोड्स ऑफ अ रेट ऑफ एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. पॉपुलेशन कितना हुआ, बढ़िया. पॉपुलेशन बाय जस्ट नोइंग द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री द रेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट बी अंडरस्टूड. अगर मेरे को पता है कि नेशनल इनकम क्या है तो मैं उसके डेवलपमेंट के बारे में नहीं पता, हिंस द नहीं लगा सकता, हिंस नहीं समझ सकता. हिंस द एक्सटेंट ऑफ इन पॉपुलेशन शुड नॉट बी नोन, और हमें पॉपुलेशन के बारे में पता होना चाहिए. इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द नेशनल इनकम इज लेसर देन दैट रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, अगर नेशनल इनकम की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन से कम है, देन द डेवलपमेंट इज सेड टू बी नेगेटिव, उसे नेगेटिव कहा जाता है. इफ द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल इनकम इज हायर देन दैट रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, देन द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज पॉजिटिव, और अगर ऐसा होता है तो उसे हम पॉजिटिव कहते हैं. अगर नेशनल इनकम बढ़ रही है, वो ज़्यादा बढ़ रही है एज कम्पेयर टू पॉपुलेशन से, तो उसे हम पॉजिटिव कहते हैं. डिफरेंस बिटवीन द कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, देयर आर द डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल टू कैलकुलेट अ नेशनल इनकम अक्रॉस द वर्ल्ड. द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाउंट देम इज द प्रोडक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन, मतलब कि कितनी चीज़ें इस देश के फैक्ट्रियों से निकल रही हैं. इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेजर, व्हेन दैट अ कंट्री नेशनल इनकम इज मेजर थ्रू टू डिफरेंट मेथड द रिजल्ट इंस्टेंट ऑफ लिविंग द सेम एंड डिफर एज डिफरेंट कंट्री एडप्ट डिफरेंट मेथड टू कैलकुलेट अ नेशनल इनकम. और हर देश जो है वो अलग मेजरमेंट लेता है नेशनल इनकम को नापने के लिए. नेशनल इनकम इंटरनेशनल कंपैरिजन बिकम डिफिकल्ट. ग्रोथ रेट्स ऑफ पर कैपिटा इनकम अकॉर्डिंग टू द इंडिकेटर व्हेन देयर पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री इंक्रीज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ कंटिन्यूअसली इट्स सेड टू बी दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस. मतलब कि अगर कोई देश में इकोनॉमिक की जो डेवलपमेंट है वो बहुत दिनों से चल रही है तो उसे ऐसा मान लिया जाता है कि वो कंपनी इकोनॉमी जो है वो डेवलपमेंट उसमें हो चुकी है. द पर कैपिटा इनकम इज एन एवरेज इनकम पर हेड, और उसकी जो पर कैपिटा पर हेड जो इनकम है वो पर कैपिटा इनकम इज क्रॉस नेशनल इनकम ऑफ द पर कैपिटा इनकम का मतलब है ग्रॉस नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन. मतलब कि जितनी नेशनल इनकम है और उसकी पॉपुलेशन है दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसे हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं. इसे ऐसे कर सकते हैं, पर कैपिटा इक्वल्स टू नेशनल इनकम
अपॉन टोटल पॉपुलेशन टू, एंड हिज द पर कैपिटा इनकम एज एन इंडिकेटर इज सुपीरियर टू अटेंड द नेशनल इनकम एज एन इंडिकेटर. द एक्सपर्ट ऑफ यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैव रिकमेंडेड पर कैपिटा इनकम एज द इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ये यूएनओ ने जारी किया है. जस्ट एज ए नेशनल इनकम इफ पर कैपिटा इनकम इज हायर एंड इफ इट्स रेट ऑफ ग्रोथ इज हायर इट इज सेट टू बी द डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस. और अगर रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो हाई है तो उसमें बोल सकते हैं कि वो डेवलपमेंट हो चुकी है. इन दैट अ कंट्री पर कैपिटा इनकम राइज एट अ फास्ट रेट डेवलपमेंट इज सेट टू बी अ फास्ट. अगर जिसकी जो पर कैपिटा इनकम बहुत तेजी से बढ़ रही है तो उसमें डेवलपमेंट भी फास्ट हो रहा है. इफ द कैपिटल इनकम इंक्रीज स्लो रेट देन डेवलपमेंट इज स्लो. और पर कैपिटा इनकम अगर धीमे बढ़ रही है तो उसे स्लो कहते हैं. पर कैपिटा इनकम इज कॉन्स्टेंट हियर स्टैगेशन एंड इफ द पर कैपिटा इनकम फॉल्स डेवलपमेंट इज नेगेटिव. और पर कैपिटा इनकम अगर नेगेटिव हो जाती है पर कैपिटा इनकम गिर जाती है तो डेवलपमेंट जो है वो नेगेटिव है. मैं आपको बता दूं सबसे पहले बात, आप इस टेबुलर फॉर्म पे जरूर भरोसा करें, आप इसे याद कर ले, ये सारा जो है वो उसके अंदर ही दिया हुआ है. तो वर्ल्ड बैंक एंड इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 2014 में जो पर कैपिटा इनकम है, मतलब पर कैपिटा परचेसिंग पावर प्रायोरिटीज है, याद रखिए परचेसिंग पावर प्रायोरिटीज, इसको देख ले. पर कैपिटल नेशनल इनकम परचेसिंग पावर प्रायोरिटी, मतलब वो एक इंसान एक साल में कितनी चीजों को खरीदता है, कितनी चीज की ताकत है वो कितनी चीजें खरीद सकता है. तो मेन चीज जो है अगर इंडिया नॉर्मल में चला जाए तो एवरेज इंसान 64,992 की चीजें खरीदता है जो उसकी जो ग्रोथ रेट है 1.1 है. वैसे ही अमेरिका में 52,947 रुपीस एक इंसान उसकी परचेसिंग पावर है, खरीदने की क्षमता है. श्रीलंका में 9,779 है, इतनी चीजें वो खरीदता है एक साल में. चाइना 12,547 है जो वो एक साल में खरीदता है. इंडिया की जो है 5,497 है, 5,497. पाकिस्तान में 4,866 है. अब ध्यान से देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो परचेसिंग पावर है वो किसके कंज्यूमर की है, तो वो चाइना की है. उसके बाद देखेंगे तो हमारा प्यारा देश इंडिया है. तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा इनमें से कौन सा देश जो है वो इनके कंज्यूमर में परचेसिंग पावर ज्यादा है, तो इसे ध्यान में रखेंगे. द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल एंड टू राइज द ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर द विच इट इज बेस्ट इंडिकेटर इज अ पर कैपिटा इनकम. इफ द डेवलपमेंट इज नॉट इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इन द रियल सेंस इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ डेवलपमेंट. याद रखिएगा अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ा तो उसे हम डेवलपमेंट नहीं कह सकते. हिंस पर कैपिटा इनकम इंक्रीज लीडिंग टू द फिजिकल बेटरमेंट ऑफ द पीपल इज कंसिडर्ड टू बी द गुड इंडिकेटर. राइज इन पर कैपिटा इनकम इम्प्रूव फिजिकल वेलफेयर ऑफ एन इंडिविजुअल एंड हिंस इट इज अ रियल इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. टेबुलर फॉर्म ये देख लीजिए ध्यान से, टेबुलर फॉर्म है ये, टेबुलर फॉर्म को एकदम ध्यान से देख लीजिएगा. यही चीज को यहाँ समझाया गया है. और इसको आप इससे अगर इसको डिवाइड कर देते हैं तो जो चीज आएगी उससे आपको ये पता चलेगा कि इंडिया का जो कंज्यूमर है उसमें वो कितना कम ताकत रखता है चीजें खरीदने के लिए. 11 से 12 टाइम्स कम पैसे खर्च करता है एज कंपेयर्ड टू नॉर्वे से 12 टाइम कम पैसे खर्च करता है इंडिया का एक कंज्यूमर हर साल. वैसे ही अगर पाकिस्तान से इसकी तुलना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो 13 टाइम्स कम पैसे खर्च करता है. तो इसकी वजह से जब हम बाहर देश जाते हैं तो हमारा जो पैसा है वो कमजोर होता है. इट कैन बी सीन फ्रॉम द टेबल दैट द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इन 2014 ऑन द बेसिस ऑफ परचेसिंग पावर प्रायोरिटीज इन 5,497 US which is lower than Norway, US, China, Sri Lanka. Compared to the Norway, India per capita income is 11 to 12 times lesser and in Norway growth is said to be higher than that India by 11 to 12 times. But the rate of the growth of the per capita income is higher in India and hence the rate of development is faster. Limitation. Per capita income has an indicated the following limitation. Only estimate that the
द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री इज कैलकुलेटेड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड हिंस वी गेट ऑलमोस्ट अ करेक्ट डेटा, हमें करेक्ट डेटा की जरूरत होती है इसे कैलकुलेटेड, बट द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज नॉट कैलकुलेटेड एवरी ईयर, और हमारी जो आबादी है उसे नापा नहीं जाता, इन इंडियन पॉपुलेशन सेंसेस इज टेकन एट, और इंडिया में जो आबादी नापते हैं वो हर 10 साल में नापते हैं, इज ओनली एन अप्रॉक्सिमेटली इज टेकन टू ऑल अदर ईयर, सो पर कैपिटा इनकम डेटा इज नॉट एक्वायर्ड करेक्टली। दोस्तों आप एक चीज़ याद रखिए, जो लिमिटेशन है, देखिए मैं आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए क्योंकि मैं आपको समय समय में बताऊंगा, मैंने अब हाईलाइट करके रखा है कि कौन कौन से कहाँ कहाँ से मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं, ये इस टॉपिक से 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, और मैं आपको बोलूँ जब आप लिखें तो ये सारे 5 के 5 पॉइंट्स को लिखें, उसमें से किसी भी 2 को समझा दें, पर मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि कृपया कर आप एटलीस्ट कोई 2 पहले 2 पॉइंट्स को नहीं समझाएं, अगर आपको समझाना है तो कभी भी ऐसा ना सोचें कि जो लास्ट वाला है डिसेप्टिव इंडिकेटर्स उसको समझाएं, ऐसा ना करें, वो पहले 2 एग्जामिनर जो है वो पहले 2 को कैलकुलेट करता है, तो आप लोग ज़रूर पहले 2 को याद करें ना कि ये एंड वाले को। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाएं। डिफिकल्टी इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड द पर कैपिटा इनकम, ऑलरेडी वी हैव सीन इन डिफिकल्ट दैट द कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इन द सेम वे वेदर पर कैपिटा इनकम शुड बी एन करंट प्राइस और अ कांस्टेंट प्राइस एंड देयर रिलेटेड डिफिकल्टीज मेक इट डिफिकल्ट टू नो द रियल सिचुएशन, मतलब कि अगर आप मान लें पर कैपिटा इनकम जो है वो किससे जुड़ी हुई है, करंट प्राइस से, कि आज कितनी है, कांस्टेंट प्राइस से, कि वो बदल रही है कि नहीं बदल रही है, ये सबसे डिपेंड करती है, और वो डिफिकल्ट कर देती है कैलकुलेशन को। पर कैपिटा इनकम शोज ओनली अ एवरेज, पर कैपिटा इनकम जो है वो सिर्फ एवरेज बताती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर इंसान इतना पैसे कमा रहा हो, जरूरी नहीं है, वो गरीब होगा तो वो उससे कम कमा सकता है और अमीर उससे कहीं ज्यादा कमा सकता है, पर वो एवरेज निकालती है हर पॉपुलेशन का। पर कैपिटा इनकम शोज ओनली एन एवरेज इनकम ऑन द बेसिस ऑफ एन एवरेज, नो डिसीजन कैन बी टेकन टू द स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, कैन नॉट बी डिसाइडेड विद इंक्रीजिंग इन द पर कैपिटा इनकम इफ equitable income distribution takes place, economic development is said to be have taken. If income distribution is inequitable, it can be said that the economic development has not taken place due to this two per capita income as an indicator of and considering deficient. Difficulty in that comparison. और जो per capita income होती है उसको बहुत difficult होता है compare करना. The per capita income of a different countries are expressed in that respective currency. और अगर आप देखेंगे तो पर कैपिटा इनकम जो है वो सिर्फ उनकी करेंसी, मतलब सिर्फ एक US डॉलर्स में नापा जाता है। इट विल बी हैव टू बी अ फर्स्ट कन्वर्टेड टू द US एंड देन कंपेयर कैन बी डन टू एंड फाइंड आउट वेदर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इज रिलेटिव हाई और लो, और उसके बाद US में कन्वर्ट कर उसे फिर कंपेयर किया जाता है। डिफिकल्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इम्पोज डिफरेंट कंट्रोल ऑन द एक्सचेंज रेट एंड द रियल एक्सचेंज रेट कैन नॉट बी नोन एंड कॉन्सिक्वेंस द रियल कंपेरिजन इज नॉट पॉसिबल अमंग कंट्री। फिर डिसेप्टिव इंडिकेटर्स, पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री इज नॉट एक्चुअल इनकम दैट अ सिटीजन गेट्स, पर कैपिटा इनकम एज एन इंडिकेटर हाइड्स मोर देन इट्स रिवील्स एंड इट इज नॉट अ करेक्ट इंडिकेटर, और पर कैपिटा इनकम जितनी चीज़ें बताता नहीं उससे ज़्यादा तो छुपाता है और वो करेक्ट इंडिकेटर नहीं है नापने का। इम्प्रूवमेंट इन दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड PQLI, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेन मकसद था कि लोगों के लिविंग को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा देना। फॉर दैट इफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस एंड हाउ मच मोर और लेस इट इज टू बी अ मेजर एंड फॉर दिस फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स एज एन इंडिकेटर इज एक्सेप्टेड, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है जो हो रही है कितना, हाउ मच मोर और लेस इट टू बी मेजर्ड, और उसे कितना नापना चाहिए, कितना ज्यादा कितना कम नापना चाहिए, ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स एज इंडिकेटर एज एक्सेप्टेड, और फिजिकल लाइफ को देखकर इंडेक्स। व्हाट इज द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द ह्यूमन बीइंग डिपेंड अपॉन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट अ पर्सन कंज्यूम, द स्टैंडर्ड ऑफ कंजप्शन रिफर टू बी कंजप्शन ऑफ अ फूड फ्यूल्स एंड द अदर नॉन ड्यूरेबल गुड्स, हम कौन सा कंजप्शन, कौन सा खाना खा रहे हैं, क्या कौन सा फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, और कौन सा नॉन ड्यूरेबल गुड्स हम इस्तेमाल करते हैं, कंजप्शन ऑफ ड्यूरेबल एंड सेमी ड्यूरेबल गुड्स, और कंजप्शन ऑफ सर्विस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम बाय अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ
people. This consumption standard of living standard determines the physical quality of life. Hence, the consumption of living standard is identified as a physical quality of life. If the living standard of the people goes up, it can be said that physical quality of life has gone up. Aspect which has included in the physical quality of life. The composition of that goods and the service consumption by an individual during the period of 1 year determine the physical quality of life. For example, to determine the including in the list of the goods and the service, foods and proportion. देखिए foods and proportion बोल रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें जो इंसान जिसकी आमदनी कम होगी वो कम कैलोरी कंजम्पशन करेगा, कम प्रोटीन कंजप्शन करेगा और कम फैट कंजप्शन करेगा एज कम्पेयर टू जो मिडिल क्लास है उससे. और मिडिल क्लास कम कैलोरी, कम प्रोटीन और कम फैट्स कंजप करेंगे एज कम्पेयर टू रिच से. हेल्थ एंड मेडिकल सर्विस, हेल्थ एंड मेडिकल सर्विस में भी यही चीज़ें होती हैं. पुअर जो है वो सरकारी डॉक्टर के पास जाता है. मिडिल क्लास जो है वो आसपास में जो प्राइवेट होते हैं उनके पास जाता है. पर जो अमीर होते हैं वो हाई क्वालिटी डॉक्टर्स के पास जाते हैं. हाउसिंग एंड क्लोथ, और क्लोथ और हाउसिंग में भी ऐसा होता है. अमीर जो होते हैं वो ज़्यादा महंगा घर अफोर्ड कर सकते हैं, गरीब के पास घर नहीं होता. और मिडिल क्लास जो है वो 1 BHK 2 BHK में रहते हैं. एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, और ऐसा ही एजुकेशन में भी होता है. अमीर का बच्चा जो होता है वो अमीर प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, गरीब का बच्चा जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, और जो मिडिल क्लास होते हैं वो एवरेज, मतलब कि जो एवरेज स्कूल में पढ़ते हैं. परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन गेटिंग प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, टीवी थिएटर्स, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन. और जो अमीर होते हैं वो कार में सफ़र करते हैं. जो गरीब होते हैं उनके पास कार नहीं होती, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं कहीं जाने के लिए. और जितने भी मिडिल क्लास होते हैं और थोड़े अपर मिडिल क्लास होते हैं उनके पास बाइक या कार होती है. एनर्जी पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन भी अमीर का ज़्यादा होता है, मिडिल क्लास का कम होता है, और सबसे कम पुअर का होता है. पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू द ड्रिंकिंग वाटर, अमीर के पास एक्सेस जो ड्रिंकिंग वाटर का होता है वो बहुत अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू मिडिल क्लास और पुअर. एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है, क्योंकि इनके पास हर क्वालिटी, अमीरों के पास अच्छी क्वालिटी होती है, इसकी वजह से हर चीज़ उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उनको कोई भी बीमारी होती है वो उनका इलाज करा सकते हैं, पर गरीब ऐसा नहीं कर सकता. 9 इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, मतलब जो बच्चा होता है जो गर्भ में मर जाता है वो गरीब का बच्चा मर जाता है और अमीर का बच्चा को वो बचा लेते हैं. ड्रेनेज फैसिलिटीज, और जो गरीब होते हैं उनके यहाँ जितनी भी ड्रेनेज होती है वो उसमें जितनी भी फैसिलिटीज होती हैं वहाँ कचड़ा हुआ, गटर हुआ, ये सब लॉक जैम होता है, पर अमीरों के यहाँ ऐसा नहीं होता. इफ देर इज एन इम्प्रूवमेंट इन दैट अबाउट 10 क्वांटिटी देन इट इज सेड टू बी दैट देर इज एन इम्प्रूवमेंट इन द फिजिकल क्वालिटी ऑफ एन ह्यूमन लाइफ. इफ देर इज नो इम्प्रूवमेंट देन इट इज सेड टू बी इन फाउंड आउट एज टू वेयर इम्प्रूवमेंट इज नीडेड एंड रेडीमेल मेजर्स कैन बी अडॉप्टेड टू मेजर द रेट ऑफ द डेवलपमेंट. एवरी इंडिकेटर कैन बी रिलेटिवली एक्सप्रेस दिस इंडिकेट विच हैज बिन हाइएस्ट वैल्यू ऑफ द 100 पॉइंट. नाउ डेवलपमेंट कंट्री गिव ग्रेटर इंपॉर्टेंस फॉर द इम्पॉर्टेंस द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ. हो गया. हेलो फ्रेंड्स, क्योंकि ये वीडियोज बड़ी हो चुकी है, मैंने यहाँ तक पढ़ा चुका हूँ, और अगला जो इसका जो आधा पार्ट है वो मैं दूसरे वीडियोज में कवर करूँगा. और आप कल तक मैं इस वीडियो को डाल दूंगा, और आज मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, तो मेरा दूसरा वीडियो ज़रूर देखिए इसके कंटिन्यूएशन के लिए.